लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को पलटने की मांग को लेकर कई कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में फील्डिंग लगाई है। पटोले की कार्यकारिणी से आहत नेताओं ने पटोले रूपी रोटी पलटने की इस मुहिम में शिवाजीराव मोघे, सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार को इस मुहिम में झोंक दिया गया। घाग कांग्रेस नेता अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान तथा बालासाहेब थोरात पहले से ही नाना पटोले की कार्यप्रणाली से दुखी है और वे भी पटोले को पलटने की मुहिम का अंदर से समर्थन कर रहे हैं। पटोले के खिलाफ केदार, वडेट्टीवार, मोघे दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस आला कमान अब महाराष्ट्र की ओर ध्यान दे रहा है और इसे एक और ध्यान देना ही चाहिए क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के आदिवासी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे, पूर्व मंत्री महोदय सुनील केदार व विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र के प्रभारी एचके पाटिल से मुलाकात कर अपना दुखड़ा रोया। इन नेताओं को पटोले की विचित्र कार्य प्रणाली को लेकर शिकायत की गई। उन्हें बताया कि महाराष्ट्र की ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य में प्रादेशिक दलों के कारण कांग्रेस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक धीरे धीरे कमजोर बनता जा रहा है। आगामी दिनों में स्थानीय स्वराज संस्था के अलावा लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसके चलते संगठन की दृष्टि से अभी से कदम उठाने होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की रचना आगामी 8 से 10 दिनों में की जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन करने के संकेत दिल्ली के बड़े नेताओं ने दिए हैं। नागपुर से दिल्ली पहुंचे पटोले विरोधी नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। इन दिनों पार्टी गतिविधियों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, विधानमंडल के पार्टी के नेता बालासाहेब थोरात कई दिनों से दूर रह रहे हैं। इन जैसे कद्दावर नेताओं को जल्द सक्रिय नहीं किया गया तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत और अधिक दयनीय हो सकती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे की खास रिपोर्ट, नागपुर। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्यावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर, परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड अपोजिट काले हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।